हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज मैं बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूँ कि आधार एसएफटी क्लाइंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर के बारे में। बहुत से फ्रेंड है जिनका आधार एसएफटी क्लाइंट सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो आधार का डेटा अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आज पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप लोग आधार एसएफटी सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे और उसके डेटा बेस को चेंज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं आप लोग से करूंगा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है, प्रिय भेली बंधु, आधार ऑपरेटर सॉफ्टवेयर आधार एसएफटी क्लाइंट वर्जन 3.25 में sft.acdb डेटाबेस की संरचना को बदल दिया गया है, अतः आप नीचे दिए गए लिंक से न्यू डेटाबेस को डाउनलोड कर अपने कंप्यूटर में पुराने डेटाबेस को डिलीट कर न्यू डेटाबेस से अपडेट कर लें। तो आधार एसएफटी क्लाइंट सॉफ्टवेयर को जिस फोल्डर में आपने इंस्टॉल किया उसी फोल्डर में sft.in फाइल को मिलेगा। तो फ्रेंड क्या करना है कि एक लिंक यहाँ पर दिया गया है, डाउनलोड लिंक पे, इस लिंक पे जाना है। यहाँ से sft.accdb फाइल को डाउनलोड करना है कि एसएफटी के फोल्डर में पेस्ट कर देना। तो देखिए कैसे यहाँ से डाउनलोड होगा। मैं अभी इस लिंक को ओपन किया हूँ। यहाँ से नॉर्मली क्या करना है, डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड डाउनलोड हो गया, इसको कॉपी करके उस फोल्डर में जाके आपको पेस्ट कर देना है फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद इसका लिंक भी वीडियो का है जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और ये जो एसएफटी का लिंक भी है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां देख सकते हैं। उसके बाद प्रक्रिया क्या, आपको आधार एसएफटी क्लाइंट वर्जन 3.0 क्लाइंट को रजिस्टर करना होगा। इसके जब आप यहाँ पर इसके फोल्डर में जाकर पेस्ट कर, उसके बाद इसको रजिस्टर करना होगा। एनरोलमेंट एजेंसी कोड में आपको 2189 डालना होगा, रजिस्टर कोड में 206 डालना होगा। उसके बाद आधार एसएफटी क्लाइंट कोड में 5 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबॉलिक वैल्यू डालना होगा। जैसे एग्जांपल में ABC01 ABC02, मतलब दोनों होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए या सिंबॉलिक भी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ऐसा करके आप रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक स्टेशन आईडी पर एक ही आधार सेफ्टी रजिस्टर एंड ओटीपी बार बार नहीं करना होगा। इस लिंक पे जाके एक रजिस्ट्रेशन आईडी पर एक ही आप एसएफटी रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस लिंक पे आपको जाना होगा, यहाँ से ओटीपी आपको रिसेंड कर देना होगा। देखिए फ्रेंड मैं इस लिंक को ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये लिंक रहा, यहाँ से आपको ओटीपी प्राप्त होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एसएफटी वर्जन 3.2.5 ओटीपी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। यहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली क्या करना है, आप लोगों को अपना सीएससी आईडी डालना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, यहाँ पे एसएफटी क्लाइंट डालना है, यहाँ पे वेली का मोबाइल नंबर, वेली आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा और इसके जरिए आपका एसएफटी चालू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा फ्रेंड। तो उसके बाद लास्ट में क्या है, एक मैं नोट में आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप सभी आवेदन प्रोसेस करने की कोशिश की जा रही है, आप सभी ओटीपी आपके ईमेल पर भेजा जाएगा, तब तक आप इंतजार करें। जिनका भी आधार एसएफटी क्लाइंट चालू हो गया वो किसी भी वीएलवीआई का डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो सभी लोग जिन लोगों ने ओटीपी का रिक्वेस्ट कर दिया उनके ईमेल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। और जब तक नहीं होता है, बहुत से वीएलवीआई हैं जिनका आधार एसएफटी अभी चालू हो गया ओटीपी आने की वजह से, उनसे भी आप अपना डेटा अपलोड करा सकते हैं। तो फ्रेंड आज का यही आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप लोग अपना अपना सेफ्टी के लिए ओटीपी रिक्वेस्ट डाल दीजिए, आप लोग का आधार एसएफटी क्लाइंट सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाला वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। थैंक यू।